गाइस फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं हमेशा मोबाइल का रिव्यू करता हूँ, आज कुछ अलग प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करेंगे। आज अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे मीवी के तरफ से आने वाला मीवी रोम 2 ब्लूटूथ स्पीकर। ये 5 वॉट का स्पीकर है और ये स्पीकर आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा और कभी कभी 1200 रुपीज़ में मिलता है, तो आप थोड़ा सा वेट करना, 1000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। 1000 रुपीज़ में इस ब्लूटूथ स्पीकर को बाई करना सही रहेगा या नहीं, मेरा सच्चा ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है स्वरूप और आप देख रहे हैं टेक सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये मीवी रोम 2 का बॉक्स, ये 5 वॉट का स्पीकर है, 24 आवर का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा जो बहुत ही बढ़िया बात है, एंड ब्लूटूथ 5.0 के साथ आएगा। और पीछे की तरफ कुछ खास फीचर्स मेंशन किया है, जैसे यहाँ पर सुपर सॉलिड बेस विथ पावरफुल ड्राइव्स मिल जाएगा। पे आर 2 रूम स्पीकर फॉर डबल साउंड और वाटर एंड डस्ट प्रूफ है, इसमें पानी गिरेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और 24 आवर का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, 2000 mAh का बैटरी मिलेगा। ये मीवी का फर्स्ट स्पीकर है जो 100% मेड इन इंडिया है, मतलब इसका डिज़ाइन, इसका मेकिंग सभी इंडिया में हुआ है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और 1 ईयर का वारंटी भी मिलेगा। तो इस साइड इसका टैगलाइन देखने को मिलेगा, पुश द लिमिट। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं कुछ दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिव्यू देना है तो इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ओपन करने के बाद ये रहा आपका स्पीकर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपको और क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 1 ईयर का वारंटी कार्ड मिल जाएगा और यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएगा और एक वेलकम कार्ड मिल जाएगा। तो ये रहा आपका स्पीकर। ये स्पीकर आपको 4 वेरिएंट कलर में मिल जाएगा। इसका जो ग्रिल है पूरा एल्युमिनियम का है, तो बहुत ही स्ट्रांग है। और यहाँ पर आपको मीवी का लोगो देखने को मिलेगा और इसका साइज आप देख सकते हैं, मेरे हाथों में ऐसे फिट हो रहा है, तो आप साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप किसी भी जगह पे इसको हैंगिंग कर सकते हैं। ऊपर की साइड आपको 4 बटन मिल जाएगा और इस साइड आपको यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक मिल जाएगा एंड माइक्रो USB पोर्ट मिलेगा चार्जिंग के लिए। और इस साइड आपको एक छोटा सा माइक मिल जाएगा, मतलब आप इससे बात कर सकते हैं। और इसके बैक साइड आपको मीवी का लोगो देखने को मिलेगा और चारों तरफ आपको रबर देखने को मिलेगा, ये पूरा रबर का है। और इसका जो ग्रिल है ये एल्युमिनियम का है। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी दोनों ही मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। एक स्टाइलिश डिज़ाइन देखने को मिलेगा और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। और ये वाटर प्रूफ है, पानी फानी गिरेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बिंदास यूज़ कर सकते हैं, बाहर में यूज़ कर सकते हैं, बारिश में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स में आपको ऑक्स केबल मिल जाएगा और इसका जो वायर है बहुत ही छोटा है। और यहाँ पर आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए और इसका लेंथ भी बहुत ही छोटा है। इस स्पीकर को मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। यहाँ पर आपको पावर बटन मिल जाएगा, उसको लॉन्ग प्रेस कीजिए। पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड। तो ये पेयरिंग मोड पे है, आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक कर रहा है। अभी अपने मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन कीजिए। फर्स्ट टाइम आपको मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड टाइम ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। देखिए कनेक्ट हो गया है। इसके बटन की फंक्शन को देख लेते हैं। इसका जो प्लस बटन है उसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो गाना नेक्स्ट हो जाएगा। और माइनस के बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो गाना प्रीवियस हो जाएगा। सिंगल टैप करेंगे तो वॉल्यूम अप होगा और माइनस के बटन को सिंगल टैप करेंगे तो वॉल्यूम डाउन होगा। और यहाँ पर आपको प्ले एंड पॉज का बटन मिल जाएगा, उसको आप सिंगल टैप करेंगे तो गाना प्ले होगा और पॉज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस स्पीकर में आपको माइक भी मिल जाएगा, तो आप इससे बात भी कर सकते हैं। प्ले बटन को आप सिंगल टैप करेंगे तो आप कॉल रिसीव कर सकते हैं एंड लॉन्ग टैप करेंगे तो कॉल कट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लाइट मिल जाएगा, इसमें आपको गूगल एंड सीरी का फीचर्स भी मिल जाएगा। प्ले बटन को लॉन्ग टैप करेंगे तो गूगल एंड सीरी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो फीचर्स हो गया, अभी बात करेंगे इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट, जो मेन पार्ट होता है। एक्चुअल में इसका साउंड क्वालिटी कितना बढ़िया है वीडियो में आप समझ नहीं पाएंगे, फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो चलिए सुन लेते हैं। ये सबसे लोएस्ट साउंड है, आप सुन सकते हैं। अभी साउंड में इंक्रीज करूंगा। अभी इसका फुल वॉल्यूम सुनिए। Close till I get up.
बिल्ड क्वालिटी और इसका डिज़ाइन के बारे में बात हो गया। अभी बात करेंगे इसका मेन पार्ट, इसका साउंड क्वालिटी, जिस वजह से आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को बाय करेंगे। तो चलिए साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे इसका वोकल। अगर आप स्टोरी सुनते हैं तो आपको क्लियर वोकल मिल जाएगा, और अगर बेस की बात करते हैं तो बेस भी अच्छा खासा मिलेगा। तो अगर आप बेस लवर है तो यहाँ पर आपको अच्छा बेस मिल जाएगा, आप सेटिस्फाई होंगे। और सबसे अच्छी बात है ये पोर्टेबल स्पीकर है और वाटरप्रूफ है, आप बहुत ही इजी तरीके से इसको कैरी कर सकते हैं और पानी फानी में गिरेगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बारिश में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ये पूरा वाटरप्रूफ है और इसका साउंड लाउड है। तो 1000 प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आपको अच्छा बेस मिलेगा एंड अच्छा साउंड मिल जाएगा। तो आप इसको बाई कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं और उस लिंक से बाई भी कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो आपको ज़्यादा से यूजफुल हुआ है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।